झंडे फकरां दे सदा ही झुलदे ने, झंडे फकरां दे सदा ही झुलदे ने, इन्हां फकरां दी सदा ही जित होवे। वड्डी तो वड्डी मुश्किल भी इन्हां फकरां दे लई टिच होवे। आ दुनिया लभदी मौला नूं ते दीदार इन्हां नूं नित होवे, उन्हें दुनियादारी तो की लेना, और जिदी फकरां नाल गल एक होवे। सो आजो बहजो सारे अंतर ध्यान होके कि अपनी भी गल एक हो जाए फकरां दे नाल, ते अपनी हाजरी कबूल हो जाए मालक दे दर ते। सलो अज दा ये प्रोग्राम शुरू करदे आ, क्योंकि कीर्तन दरबार शुरू करिए, एक ओंकार तो गल शुरू हुंदी है, जागरण शुरू करिए ओम तो गल शुरू हुंदी है, ते जे फकीरां दी महफिल शुरू करिए नबी पाक दी नात तो शुरू हुंदी है, और उसे रीति नूं मुख रखदे असीं अज दी महफिल शुरू करन जा रहे हैं। और ध्यान रखना है, समझण दी कोशिश करनी है, गल सुन के मतलब एवी टाइम खराब ना जावे, जिहड़ा भी लफज माइक तो बोलिया जाना है उन्हूं समझण दी कोशिश करियो। बाकी हर तरह दा रंग, सुनाउण वाला भी गाउण वाला भी नाल, ते नचण वाला भी भंगड़े पाउण वाला भी, ए सारी रंगत दा गुलदस्ता लै के आप सब दी नजर मैडम सना खान जी। दरबार जाहर बने दूलो सरकार शेरे खुदा सरकार, जिन्हां दे रोजे मुबारक ते असीं सारे हाजरी भर रहे हां। सो पहला तो मेरी गुजारिश यह है सारियां साडियां मातावां नूं, बजुर्गां नूं, वीरां नूं, कि पंडाल जाके बैठो, तुहाडे वास्ते बहुत सुचजे ढंग नाल अरेंज किया गया है। अदब दा अदब दी जगह ते अदब पहला जरूरी है, आराम नाल आके तुसी सारे पंडाल च बैठ जाओ, फिर ठंड घट भी घट लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि तुसी इकट्ठे होके बैठ जाओगे निगाह अपने आप उठ जाएगा, है ना, कोई गल नहीं। और सेवादार शेर सिंह जी, साढ़े बिट्टू प्रधान जी और नगर पंचायत, मैं तुहाडे सारयां दी बहुत ममनून हाँ, शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हां दे प्यार सदका जिन्हां दे हुक्म दी तामील करदे हुए नाची सना खान जावेद अख्तर एस जे सूफी बैंड फ्रॉम सिटी धूरी रजिस्ट्री संगरूर तों तुहाडी सेवा दे विच हाजिर हाँ जी। और मैं साईं जी होरां नूं गुजारिश करांगी कि अगर मेरी आवाज़ नूं सुन रहे ने तां अगर ओह पंडाल च आके बैठ जाण, और उन्हां दी मैं इजाजत लै के शुरू करां तां ज़्यादा बेहतर है, बाकी जिद्दां उन्हां दी मर्ज़ी है। हाँ जी, बाकी तुसीं सारे आके बैठ जाओ पंडाल च। थैंक यू सो मच। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साइया ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साइया ने। मैं जो मंगया, मैं जो चाहया, वो मेरी झोली पाया साइया ने। उस घर नूं उजाड़े कौन भला, जिस घर नूं वसाया साइयां ने। मैं कदमां विच जा बैठी सी, मैनूं कोल बिठाया साइयां ने, मैनूं कोल बिठाया साइयां ने। सो आओ, मालक ने नवा साल चढ़ाया है, एक दुआ दे तौर ते, बंदगी दे तौर ते अरदास, चंद अल्फाज उस मालक दे कदमां दे विच। हर एक इंसान जो इस पंडाल दे विच बैठा है और जो दुनिया के किसी भी कोने ते बैठा है, वो वालों जो अरदास, सारे वालों मैं एक अरदास कि नवा साल चढ़िया है,
ताड़ी नजर कर लगी उस मालिक के कदमों के। सो गुजारिश करांगे जी, एक जोरदार ताड़ी बजा के जरा दो हाथ जिन्हों मालिक ने बख्शे ने। हाँ जी, ताड़ी बजा के जरा बजा से दो, तो मैं साईं जी को गुजारिश करूंगी कि पंडाल के आ जाए। हाँ जी, आओ जी। बापू सब लडाण जो मेरे मालिका मां सब दी जगते रवे जोंदी बापू सब दा लाड लडाउण जोगा मेरे मालिका मेरे मालिका
एक दिहाड़ीदार बंदा एक महल कोल दी लंघदा साइकिल ते सवार है, जेड़ा रोज कमा के खांदा है, रोज दा रोजगार करदा है ते अपने परिवार दा पेट पालदा है। एक तीन मंजिला कोठी वाला निगाह पई ते की अरदास करदा है, रोटी सब दे चुल्ले ते रवे पकदी, रोटी सब दे चुल्ले ते रवे पकदी, कोठा सब नू देवी सौन जोगा, मेरे मालिका सारियां दुआवां हो गई, मां बाप वास्ते, भैन भाई वास्ते, पुत्रां वास्ते, धीआं वास्ते, सब वास्ते अरदास हो गई। एक शख्स, एक इंसान जेड़ा अज दी घड़ी बिस्तर ते बीमार पिया है ते अपने आखरी लम्हात गिण लिया है, आखरी समा की अरदास कर रहे हैं उस मालक दे दे। दिन हशन कज नहीं आब मेरे, दिन हशर नू कज नहीं आब मेरे, रखी मैनू भी मुख वखाण जोगा, मेरे मालिका ताड़ी बारे ख्याल मेरा वैसे यह है कि ताड़ी अरे बजती रही, ऐ लगता जिम्मे मीह का असर हो गया हुए ताड़ी दे, पर मालिक दे अगे जो फरियाद हो जाए ना, गल फकीर की है, वह भी फकीर सी,
जिन्हां दे मेले विच आपां सारे इत्थे एकत्र होए आ ते उस मेले नूं चलाउण वाले भी फकीर बैठे ने। ये लड़ी ऐसे तरह तुरदी जा रही है ते जदों उहदा जिक्र सुनण वाले भी मन जोड़ के बैठ जाणगे ना ते सारे फकीरी लाइन लग जांदे ने इक्को जगह, क्योंकि सुरत इक हो जाती है। सो जिहड़े जिहड़े अपने गुरु महाराज नूं हाजर समझदे ने, ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੋੜਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾਇਓ, ਬੁੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲਓ ਜੇ ਠੰਡ ਥੋੜਾ ਇੰਨੀ, ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਆਹ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰ ਲਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ। ਤੇ ਅਜੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਖਾਲੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 12-12 ਕਰਕੇ 36 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਰ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅਜੇ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਪਾਈ ਰੱਖੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਈ ਰੱਖੀ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਖੜਾ ਮੈਂ ਆਣ ਦਰਬਾਰ ਤੇਰੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਮਤਾਮਾ ਪੈਣਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੈ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕਲਾਮ ਸਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ 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 ਚਕਵਾਨ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਰੀ, ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਹੁਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਕੀਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਬਣਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਫਕੀਰ ਬਣਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਮੰਬਾ ਏ ਫਕਰਾ ਅਲੀ, ਅਲੀ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਏ ਫਕਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਲੀ, ਫਕਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਆਲਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਲੀ ਨਾ ਬਣਾ
के नूर का मजहरे जली अली 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 की शान था आलम में फिर वली ना बना कसम खुदा की बशर की क्या ताकत बनाया हक ने हू अली तो अली बनाया हक ने हू अली तो अली ना बना क्यों हजरत हू अली शाह कलंदर पानीपत वाली सरकार आपने पानी च खलो के इनी इबादत कीती के मछलियां सारा शरीर खा गईयां मछलियां सारा शरीर खा गईयां रब ने खुश होके फरिश्ता भेजा कहंदे उनू जाके पुछो तू इन्ना जाप कीता इनी इबादत कीती मछलियां सारा शरीर खा गईयां तेनू खबर ही कोई नहीं एडी इबादत कीती है हुण इनाम की चाहिदा है की इनाम चाहिदा है ते ओ कहंदे कहंदे जे रब मैं तो खुश है ना ता मैनू अली बना दे जे मेरी इबादत तो खुश है ता मैनू अली बना दे ते अल्लाह जी फरमाउंदे ने कहंदे अली अली ता अली है अली दूसरा नहीं हो सकदा जे मैं तेनू अली बनाया ता फातिमा भी बनाउणी पैणी है जे फातिमा बनाई ता हसन हुसैन भी बनाने पैने ने जे ए सारे बनाए ता मक्का मदीना भी दोबारे बनाना पैना है एडा कम नहीं दोबारा हो सकदा हां मैं इन्ना जरूर कर सकदा के तेरे विचों अली दी खुशबू आवेगी ते तेनू सारी दुनिया ते अबू अली शाह कलंदर दे नाम नाल जानिया जावेगा अली 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 तेरे विचो अली दी खुशबू आवेगी ते तेनू सारी दुनिया ते बू अली शाह कलंदर दे नाम नाल जाने जावेगा ते आशक पता की कहंदे ने जेड़े मेरे मौला दे आशक ने ओ की कहंदे ने कहंदे सारी दुनिया काबे हज करन जांदी है आपां नू पता सारे नू मक्के मदीने हज हुंदा है पर उस काबे दे अंदर अली ने जन्म लिया जिथे हज हुंदा है ते हज दा मतलब है मेल मिलाप जिथे मेल हो जावे उनू हज कहंदे ने Yeah.
ਵੇਖਿਆ
मार दे जेड़ा कोहे तूर दा पहाड़ सी ना उथे रब मिलदा सी हजरत मूसा नू ओ भी रब दे बहुत वड्डे विद्वान होए ओदा जाप करन वाले होए हजरत मूसा ओ रोज ना रब नाल गल्लां करदे सी आवाज सुनदे सी रब दी ओ कहंदा पतंदरा गल्लां ही करी जांदा कदे शक्ल भी दिखा दे रब नू कहण लगे ओ कहंदा तैतों मेरी झलक नहीं चली जानी कहंदा ना मैं तां शक्ल तेरी जरूर देखनी है रब नू कहण लगे हजरत मूसा ते रब जी ने की किया जेड़ी तुसी तरपाई करदे हो ना बरीक सुई ओने कि नक्के च जिन्नी क जगह होंदी धागा पाउण दी जगह ओने कि जगह विच रब ने अपनी माड़ी जी झलक विखाई कहिंदे आ जा वेख ला जद झलक विखाई कोहे तूर दा पहाड़ जल के खाक हो गया जेड़ा सुरमा बन के अखां च पाया जांदा है ताड़ी बारे की ओ राख बन गया सुरमा बन गया झलक झल ना होई हजरत मूसा बेहोश हो गए इधर बाप धी नू वेख के हजरत अली बेहोश हो गए कहंदे तू की वेख लिया कहंदा मैं अज ओ नजारा वेख लिया जेड़ा कोहे तूर ते मूसा ने वेख्या सी ताड़ी बारे की कहंदे मैं ओ नजारा वेख लिया कहंदे फिर मैं तेनू कही नहीं ए गल भी तू मैनू नहीं वेख्या तू मैनू नहीं वेख्या पहला ओनू ता वेख लिया जेड़ी तेरे घर वसदी है ओहो ताड़ी बारे की खा तू मैनू की वेखना है पहला मेरी धी नू वेख क्योंकि नबी जी फरमाते ने हर एक मां बाप कहंदा है मेरा धी मेरा पुत मेरा मेरे जिगर दा टुकड़ा है पर नबी जी की कहंदे ने नहीं फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा नहीं मेरा टुकड़ा है आहा क्योंकि जद सामने खलो लिया ना धी नू दोनों दा इको ही रूप हो गया सी बाप धी दा इको ही रूप हो गया सी आहा ता ए जद नजारा वेख लिया हुण अली जी की कहंदे ने क्योंकि गल अली जी दी हो रही है कि रंग जीना नु लाए अली ने हुण अली जी की शय ने ओए कहंदे मैं सरकार तानू भी देख लिया तुहाडी धी नू भी देख लिया क्या बात है पर गल ए है तुसी अली नू भी नहीं वेख्या आहा गल ए है कि तुसी दोनों ने अली नू भी नहीं वेख्या हां रब कदे मौका देवेगा ता जरूर कुछ दिन गुजर गए दोने सौरा जवाई फेर बैठे ने गल्लां करदे ने गल्लां करदे करदे मौला अली सरकार दुनिया तो चले गए स्वर्गवास हो गए बैठे बैठे स्वर्गवास हो गए नबी पाक जी ने की किया आप नु नवाया कफनाया ते कब्र च दफना के घरे आ गए कल्ले ही उन्होंने दफना के घरे आ गए आके आवाज दीती बेटा फातिमा जी अब्बा जी कहंदे धीए जेड़ी गल मैं तेनू दसन लग्या ओ सहारन योग्यता है नहीं पर सच्चाई ए है भी तेरे सिर दा साईं हुण दुनिया ते नहीं रहा तेरे सिर दा साईं अली हुण दुनिया ते नहीं रहा फातिमा जी कहन लगे कहंदे अब्बा जी ए की कहंदे पे हो अब्बा जी ए की कहंदे पे हो कहंदे क्यों अली इस दुनिया तो चले गया मैं तेनू दसन आया कहंदे नहीं 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 मैं ता ए कह रही हां भी अली ता अंदर सुते पए ने ओहो ताड़ी बारे की खबर कहंदे कहंदी मैं ए कहनी हां भी ए तुसी की कह रहे हो भी अली दुनिया ते नहीं रहा अली ता अंदर सुते पए ने मेरे घर वाला ता अंदर सुता पए कहंदे अच्छा आवाज दित्ती ए अली जी आका मेरे करीब आ सोणिया ओए मैं तैनू अपने हत्थी नमाया कफनाया कफन च लपेटिया कब्र च दफनाया तू इत्थे किवें तू इत्थे किवें आ फरमाउंदे ने कहंदे सरकार जदों तुसी मैनू कब्र च दफनाउण आए सी मेरी कब्र च तुहाडा रुमाल गिर गया सी ओहीओ लै के आया कहंदे मैं तुहानू कहा सी ना भी तुसी अली नू भी नहीं वेख्या जदों तुसी मैनू मेरी कब्र च दफनाउण आए सी मेरी कब्र च तुहाडा रुमाल गिर गया सी ओहीओ लै के आया Ali, Ali, Ali.
पीर सोना पीर मेरा खैबरी आपनू मौला ए कायनात कहा जाता है। कायनात कितनी बड़ी है, सत जमीन ने सत आसमान ने अचिंद परिंद दुनिया तक कितना साजो समान है। आपनू मौला ए कायनात कहा जाता है। एक किला सी खैबर का किला जिनू फतेह करने वास्ते 39 दिन हो गए 40 दिन का टाइम से 39 दिन हो गए, किला फतेह नहीं हो रहा। ते उत्थे खड़ के नबी पाक ने अपनी सारी फौज बुलाई कहंदे गल सुन लो ए, अपने सिपाहियों नू कहंदे थोतो किला फतेह नहीं हो रहा, कल नू मर्द सदूंगा। सारी फौज नू बुला के कहंदे कल नू मर्द सदूंगा। हुण फौज वाले टेंशन च पै गए भी सानू 39 दिन हो गए लड़दियां नू, सरकार कहंदे ने कल नू मर्द सदूंगा, इहदा मतलब साडे तों कोई कम ही नहीं होया बंदे वाला। अंदर कह के इह गल कह के अंदर चले गए ते अंदर जाके रब नू कहण लगे, कहंदे मैं कह तां दित्ता भी कल नू मर्द सदूंगा, या अल्लाह वो मर्द है किहड़ा। ते अल्लाह पाक फरमाउंदे ने ऐ मुहम्मद उसको बुला जिसको मैंने पैदा ही मुश्किल कुशाई के लिए किया है। शेर ए खुदा खुदा दे शेर नू आवाज दे। ते आपने पहाड़ी ते खलो के आवाज दी, या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, ऐ अली आव ते मेरी मदद फरमा। नबी पाक ने अली नू बुलाया। हुण जी सारे सिपाही वेखदे ने के अली किधरों आउणगे, सारे सिपाही वेख रहे ने के अली किधरों आउणगे। नबी पाक जी ने आवाज दी या क्या है, अली आ। 100 मील तो आवाज सुन ली नबी पाक दी, अली ने 100 मील तो आवाज सुन ली नबी पाक ने। हुण सिपाही वेखदे ने अली ने किधरों आना, ते एक आशक सी उहदा नाम सी सलमान फारसी। ओह हुण उपर नू वेखदा सारे सज्जे खब्बे देखदे ने अली ने किधरों आना, ओह उपर वेखदा है। ओए कहंदे ओए असीं वेखदे आ अली सज्जे आ, ओह अली खब्बे आ, ओह तू उत्ते की वेखी जांदा है, तू उत्ते की वेखदा है। हज़रत सलमान फरमाउंदे ने ओए कमलियो मेरे मौला जदों किसे दी मुश्किल कुशाई वास्ते आउंदे ने तां उत्थे ही आउंदे ने। याद कीता नबी ने अली नू जदों, याद कीता नबी ने अली नू जदों, इज खैबर च शेरे खुदा आ गए, इज खैबर च शेरे खुदा आ गए। मेरे ख्याल च थोनू पता होना भी दरबार दे उत्ते भी शेरे खुदा लिखा होया। दाढ़ी बारे की ख्याल है, मैं गल उन्हां दी कर रही हूं। याद कीता नबी ने अली नू जदों, याद कीता नबी ने अली नू जदों, इज खैबर च शेरे खुदा आ गए, पिता नबी ने अली नू जदों, पिता नबी ने अली नू जदों, जो खैबर च शेरे खुदा आ गए, देख के सारे साथी ए आखण लगे, देख के सारे साथी ए आखण लगे, जरा देखो ते मुश्किल खुश हो गए। पीर मेरा खैबरी, पीर मेरा खैबरी, पीर मेरा खैबरी, पीर मेरा खैबरी।
मेरे ख्याल च बहुत वड्डी वड्याई पेश कर दी हूं कसर तो कोई रही नहीं ताड़ी वाली जे प्यार आ रहे दो तुप करके की कहना है रंग ओना नु लाए फिर एक बारी ताड़ी ला दो जरा जोरदार हम ताड़ी की आवाज आन लग गई है पहले नालों हौली हौली सारा सलाबा चकिया जाने सो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हाँ साढ़े आदरणीय सत्कारयोग रजिंद्र कुमार बिल्ला जी वाइस प्रधान शिवसेना पंजाब और आदरणीय पवन कुमार टीनू जी प्रधान टॉप मीडिया एसोसीएशन सो उन्होंने आमद से उन्होंने निघी जी है कहने वेलकम करते हैं अपने पूरे ग्रुप वालों बहुत बहुत मेहरबानी बहुत सारा प्यार साइया वालों और प्रधान जी इन्होंने वालों बहुत सारा माण आया सारे तह दिलों शुक्रगुजार हाँ इधर मातावान वालों भी बहुत सारा माण आया छोटे छोटे बच्चों वालों भी माण आया और पंछी साहब मैं इधर देखे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना तो वह माण देन लगते फिर देखते हैं पता लगता पैसे थले डिगे वो फिर अड्डिया चा के वेखते हैं तो हम जो आना हो थोड़ा जहा जोर लाना पैना तो अगे न आने सो थले हो उपर सारे कोई गल नहीं अपने ही है तो बड़ी खुशी है तो उत्साह देख के कि वह रंग जिस रंग की आप गल कर रहे हैं वह रूहानीयत का रंग इस वे वरस रहा सरकार वालों तो वह खुशकिस्मत ने वह भागा वाले ने जेडे जेडे उस रंग दे विच अपने मन में रंग रहे ने आओ ये रंगत इस तरह जारी रखिए तो सुनिए अगला खूबसूरत कलाम आप सब दी नजर मैडम सना खान जी हाँ जी साडे साईं जी होरां वल्लों हुकम होया कहिंदे साबिर पाक सरकार कलियर शरीफ वाली सरकार और जिदा साईं जी तरतीब है जिहड़ी मैं चाहांगी कि जे आपां उहनूं ना तोड़ीए पहला ग्यारहवीं वाली सरकार क्योंकि पहला जेडे पीर दे पीर ने गौस आजम सरकार ग्यारहवीं वाली सरकार उन्होंने जिक्र दे नाल दी नाल मैं फिर तुहानूं लड़ी भी दसूंगी भी किवें गलबात है हाँ जी तुसी पीर या गौस मीरा गौसे जली ना आँखां ते की आँखां तुसी पीरा दे पीरिया गौसे मीरा गौसे जली ना आँखां ते की आँखां कंधे कदम तेरे कुलियालियां दे हाय अलावली ना आँखां ते की आँखां कंधे कदम तेरे कुल ओलियां दे अलावली ना आँखां ते की आँखां जी साईं जी मौला अली सरकार दे बेटे
जिन्हों का मैं पहला जिक्र करके हटी हूं, उन्होंने बेटे हुसैन पाक जी नमाज पढ़ा रहे सी, ते पिछे शामदार जिंदा पीर नमाज पढ़ रहे सी। तुसी अक्सर फिल्म्स दे विच टीवी दे विच देखदे हो, जदों जदों नमाज पढ़ी जाती है ना, टीवी च भी देखदे हो, पिक्चर्स भी देखदे हो, दोनों पासे सलाम करके फिर दुआ की जाती है ना, देखदे ना, पहला ऐदां फिर ऐदां फिर ऐदां, ठीक है। हुण होया की, नमाज तां पढ़ा रहे ने हुसैन पाक, ते पिछे पढ़ रहे ने शामदार जिंदा पीर। उन्होंने की किया, उन्होंने पहले ही यह सलाम पढ़ दिता शामदार जी ने, वह कहते वाह ओए बंदिया, नमाज मैं पढ़ा, सलाम तू कल ही पढ़ी जाना। उन्होंने बड़ा गुस्सा आया। हाँ जी साईं जी, सुन के जरा मजा बहुत आना गल जे ध्यान सुनोगे। और कहते बंदिया, नमाज मैं पढ़ा रहा कि तू पढ़ा रहा है, तू मैं तो अगे ही चली जाना, हले तो मैं उत्थे तक पहुंचा भी नहीं, तू पहले ही सलाम पढ़ दिता। ऐसा जलाल नाल वेख्या शामदार जिंदा पीर दे चेहरे वाल, हुसैन पाक ने अली दे पुत्र ने चेहरा बडरूप हो गया, देखण दे लायक ना रहा। शामदार जिंदा पीर गम च रोण लग पए, कहिंदे सरकार मैं जान बुझ के गलती नहीं कीती, अचानक हो गई है, हुण ए हल दसो, मेरा चेहरा बडरूप हो गया, देखण दे लायक नहीं रहा, हल दसो की है। कहिंदे हल ए है, साडी 11वीं पीढ़ी दे विच गौस पाक सरकार आउणगे, जद उन्हां दी नजर तेरे चेहरे ते पवेगी उदों ठीक होवेगा। आप इंतजार करन लग पए, 100 साल दी इक सदी हुंदी है, 11 सदियां गुजर गईयां, 100 साल दी इक सदी हुंदी है, 11 सदियां गुजर गईयां, इंतजार करदे ने शामदार जिंदा पीर नूं। 11 सदियां बाद गौस पाक सरकार दुनिया ते आ गए, आमद हो गई। एक दिन एक पिंड चो लंघे जा रहे ने, नाल आपदे चेले वालके ने, मुरीद ने, शाम का टाइम सी, आपदे मुरीदां नूं कहण लगे, कहिंदे ओए मुंडे ओ कवेड़ा हो गया, अज ऐसे पिंड च ना रुक जाइए। कहिंदे ठीक है जी। हुण उहनां दे मुरीद सौ गए, गौस पाक सरकार ने कुरान शरीफ खोल लिया, पढ़न लग पे, ते उधरों खूह ते एक हसीन लड़की पानी भर रही सी, कन्न च आवाज पई कोई कुरान शरीफ पढ़ता पिया है, डोल उत्थे सिट दिता, कोल आके बह के सुनन लग पई। हुण सुनी भी जाती है, ते मूंह जे भी बनाई जाती है, बुल जे भी टेरी जाती है। जद 11वीं वाली सरकार की नजर पई उस लड़की ते, कहिंदे बीबा बेटा मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा, ते तू मूंह बनाई जानी है, की गल है? कहिंदी बाबा जी मूंह मैं तां बनाउनी आ, जदों मेरे पीर जी मेरे गुरु जी कुरान पढ़ते ने ना, तो जंगल के सारे चिंद परिंद कट्ठे होके उन्होंने कदमा जाके बह जाते, सारे जानवर चिंद परिंद आके कट्ठे होके उन्होंने कदमा जाके बह जाते ने। कहिंदे अच्छा, कहिंदे ऐसा कुरान पढ़ दे तेरा पीर? कहती हाँ जी। कहने मैं भी उन्होंने मिलना चाहना। ठीक है जी। हुण लड़की अगे अगे जा रही है, गौस पाक सरकार नाल चले गए, लड़की ने बूहा खटखटाया, ओदे पीर बाहर आए, ओदे मुर्शिद बाहर आए, किस तरह मुंह ते नकाब कीता होया, बुरका पाया होया, उस लड़की दे पीर ने, उस लड़की दे गुरु ने, अंदर चले गए, जाके कहंदे इस बेटी ने थोड़ी बहुत तारीफ कीती है, जिवें तुसी कुरान पढ़दे हो, जरा मैनू भी तां सिखाओ। ये हुण ये तां हो नहीं सकदा कि 11वीं वाली सरकार नूं कुरान ना आउंदा होवे, उन्हें विधि बनाउणी हुंदी आ। कहिंदे जिवें तुसी कुरान पढ़दे हो, बेटी ने तारीफ कीती है, जरा मैनू भी तां सिखाओ। एक महीना गौस पाक सरकार उस लड़की दे पीर तो कुरान शरीफ सिखते रहे, सिखते रहे, सिखते रहे। जद जान दा वेला आया ना, कहिंदे बुजुर्गो जरा अपना चेहरा तां विखाओ, लोग पुछणगे तेरा उस्ताद कौन है जिन्हें तेनू ये कुरान सिखाया है, जरा अपना चेहरा तां विखाओ। ओ बुजुर्ग कहिंदे, उस लड़की दे पीर कहिंदे, कहिंदे ना ना ना, पहली गल तां ए कि चेहरा इन्ना बडरूप हो गया कि वेखण दे लायक नहीं रहा, दूजी गल ए नकाब तां उदों ही उठेगी जद गौस पाक दा दीदार होवेगा। ते आ फरमाउंदे ने, ओ शामदार नकाब हटा दे, मैं ही गौस पाक हां। ताड़ी वारी की शामदार नकाब हटा दे, मैं ही गौस पाक हां। ते शामदार जिंदा पीर की कहिंदे ने, ओख मेरी लड़ गई, ओख मेरी लड़ गई, ओख मेरी लड़ गई, सैयो नी सोने मीरा दे नाल, सैयो नी सोने मीरा दे नाल, ओख मेरी लड़ गई, सैयो नी सोने मीरा दे नाल, लड़ गई, सैयो नी सोने मीरा दे नाल, ओख मेरी लड़ गई, सैयो नी सोने मीरा दे नाल, सैयो नी सोने मीरा दे नाल, ओख मेरी लड़ गई, सैयो नी सोने
चढ़ गई सैयो नी दुलो शादी दे नाल लड़ गई सैयो नी सोने मीरा दे नाल नजर मेरा डोल ते पेंदी मैल कुचैल दिले दी लेंदी जिस दी नजर मेरे मैल कुचैल जिस दी नजर मेरे डोल ते पेंदी मैल कुचैल दिले दी लेंदी इक दूजी नू कन्न विच कहदी ओ ताड़ी मार के आ जाओ अख मेरी लड़ गई सैयो नी सोने मीरा दे नाल लड़ गई सैयो नी सोने मीरा दे नाल अख मेरी लड़ गई सैयो नी सोने मीरा दे नाल अख मेरी लड़ गई 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 सोने कोस नाल लड़ गई हो मुक गया मैल कुचैल दिले दी लैंदी एक बंदा अर्ज लेके गया ग्यारहवीं वाली सरकार कोल साईं जी सुन के जरा ग्यारहवीं वाली सरकार कोल एक बंदा गया जाके कहन लग्या कहिंदा सरकार घर विच मंदहाली दा आलम है गरीबी दा आलम है कोई हल दसो जिहदे नाल गरीबी दूर हो जावे सरकार कहदे इंज कर घर जा ते जाके साडे नाम दी ग्यारहवीं पका न्याज बना ते न्याज बना के वंड दे तेरी मंद हाली दूर हो जावेगी घर गया घर जाके कौले खूंजे फरोले चार पांच आने लभे जेबे च पाए न्याज दा समान लैण वास्ते घरों टुर पिया हुण न्याज दा समान लैण वास्ते दुकान ते खड़ा है ओ शख्स ते उधरों रोंदी कुरलोंदी एक बीबी चीका मार दी दिहाड़े मार दी आ रही है कर दी कराउंदी आके उस बंदे नाल टकरा गई जेड़ा न्याज दा समान लै रहा दुकान ते खड़ा ओदे नाल टकरा गई और कहंदा भाई बीबी की हो गया मैं तां पहले ही चार आने कट्ठे करके न्याज दा समान लैणा सी ओह वी ते सटवा दित्ता गल की हो गई कहंदी की दसां भरावा मालक ने मैनू पंज धीआं दित्तियां पुत्तर एक भी नहीं दिता मेरे सहुरे ने मैनू कुट मार करके घरों कढ दिता धीआं मेरिया घर रख लिया कि तेनू मालक ने पुत्र नहीं दिता हुण मैं मरन चली हां कहिंदा अच्छा कहिंदा आ मैं तेनू उत्थे लैके चला जिथे चोरों तो कुतब बनाए जाते आ मैं तेनू उत्थे लैके चला जिथे बारह बारह साल के डुबे बेड़े बने लाए जाते हैं आ मैं तेनू उत्थे लैके चला दोनों जाने चले गए सरकार कोल सलाम दवा होण तो बाद जब सरकार की नजर पई उस बीबी से कहंदे भाई की गल है क्यों रो रही है कहंदी सरकार मालक ने धीआं पंज दित्तियां पुत्र एक भी नहीं दिता मरन चली सी ए भाई इत्थे लैके आ गया तुहाडे कोल ते मां सरकार ने नॉर्मल तरीके नाल कह दिता कहंदे कोई गल नहीं भाई उस मालक दे घर देर है अंधेर नहीं कोई गल नहीं रब सुनूंगा हुण ओह की कहंदी है कहंदी ना जी ना जे मेरा हल करना तां हुणे करो नहीं तां रहण दो जे मेरा हल करना ना ता हुणे करके दो नहीं ता रहन दो ग्यारहवीं वाली सरकार ने ऐसी जलाल दी नजर नाल वेख के क्या कहे अच्छा ये गल है
जा जाके घर वेख ले पंजे तियां दे पुत्र बने पए हुण ताड़ी वारे कहंदे जा जाके घर वेख ले पंजे तियां दे पुत्र बने पए हुण गे दौड़ी ओसे उन्नी पैरी दौड़ी जाके की वेखदी है घर दे विच खुशी दा माहौल है ओदी सस पतासे वंड रही है लड्डू वंड रही है ताड़ी बारे की ख्याल है जाके वेख्या पंजे धीआं दे पुत्र बने पए ने ओनी पैरी फिर दौड़ी दौड़ी आ रही है ते ओसे शख्स नाल टकरा के की कहंदी है जिस दी नजर मेरा डोल ते पैंदी ਮੈਲਕ ਚਹਿਲ ਦਿਲ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਮੈਲਕ ਚਹਿਲ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਮੈਲਕ ਚਹਿਲ ਦਿਲ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਗੋਸ ਨਾਲ दर दर ते गदाइयां कीतियां नहीं असा होर कमाइयां कीतियां नहीं दर दर ते गदाइयां असा होर कमाइयां इक जपना तेरा ला मीरा इक जपना तेरा ला मीरा असा दम दम नाल पका छड़िया नी अख लड़ गई सोहणे ਸਾਪਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਚਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਜਾਗੀਰ ਸੋਹਣੀ
ऐसी दुनिया ते सोनी जागीर कोई नहीं जिन्ना सोना गंज शिकरी बाबा ऐसी दुनिया ते सोनी जागीर कोई नहीं हप्पा हप्पड़ के हप्पा हप्पड़ के साबर बना देंदा वो ऐसी होर बनोदा तकदीर कोई नहीं तकदीर कोई नहीं बाहों फड़ के साबर बना देंदा ऐसी होर बनाऊंदा तकदीर कोई नहीं किस तरह बाबा फरीद जी उन्हां बारे तो सारी जानदे हो सवेरे रोज गुरबाणी सुनदे हो ना गुरुद्वारा साहब दे विच जिहदे विच अपने आप नूं संबोधन कर करके उठ फरीदा सुत्या तू ताड़ू दे मसीद ओए तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल फरीदे तां रोज ही सुणदे मैनूं लगदा इह मैनूं दसण दी लोड़ नहीं बाबा फरीद जी कौन ने बाबा फरीद जी दिल च यह ख्याल रखते सी कि जेड़ा मेरा गुरु होवे मेरा मुर्शिद होवे मैं तो पहुंचा हो हर बंदा ही यही चाहता है कि ऐसा गुरु ना होवे जेड़ा आप भी डुब जाए तो मैनू भी लै डुबे ऐसा गुरु तो कोई भी नहीं ना चाहता तो हुण आप अकीदा की रखते ने जेड़ा मेरा गुरु होवे मेरा मुर्शिद होवे मैं तो पहुंचा होवे हर बंदा चाहता है यह ख्याल लैके आप अजमेर शरीफ चले गए ख्वाजा सरकार को शाम का टाइम सी जाके कहंदे बाबा फरीद जी ख्वाजा सरकार नूं कहंदे जी मैं थोड़े लड़ लगन आया थोड़ा मरीद होने वास्ते आया गुरु धारना करन आया मैनू अपने लड़ ला लो ख्वाजा सरकार कहंदे फरीदा ओए शाम का टाइम है तेनू कल नूं मरीद करांगे हुण कवेड़ा हो गया हुण नेरा हो गया तेनू कल नूं मरीद करांगे कहंदे अच्छा जी ये गल है बाबा फरीद जी ने अपनी पहली उंगली ते ऐसी फूक मारी लटा लट जगन लग पई लटा लट लग जल जल पई और कहंदे तेनू समझ नहीं आउंदा तेनू कहा भी तेनू कल नू लड़ लावांगे कल नू मरीद करांगे तू एडा काला क्यों हो गया है तेनू कहा भी नेरा है हले कहंदे अच्छा जी जद दूजी वारी गया आपने दूजी उंगली ते फूक मारी ओही जलन लग पई तीजी वार जद कहा कहंदे सरकार मैनू अपने लड़ ला लो कहंदे तेनू दो वारी कहता भी तेनू कल नू मरीद करांगे तेनू देखदा नहीं भी नेरा हो गया इन्नी गल कहण दी देर सी बाबा फरीद सरकार ने पंजे ते फूक मारी लटा लट जग पिया ऐसा जगया के पूरा अजमेर शहर इस तरह जगमग हो उठिया जिवें दिवाली वाली रात होवे ताड़ी बारे की जिवें दिवाली वाली रात होवे हुण इह जद माजरा हो गया हुण ख्वाजा जी कहंदे ने ओए कहंदे फरीदा तू सानू करामातां दिखावेंगा कहंदे हां जी हां जी प्लीज बाबा जी बैठो जद शहर जगमग जगमग हो उठिया साईं जी ख्वाजा जी कहण लगे बाबा फरीद जी नूं ओए कहंदे तू सानू करामातां दिखावेंगा आल उंगलियां जला जला दिखाउणा चानण कर कर दिखाउणा ए हुण करामातां सानू विखावेंगा कहंदे ना जी मैं करामातां नहीं विखा रहा तुसी कहा भी नेरा है मैं चानण करता ताड़ी बारे की भी जे साडे दोनों की दूरी का कारण नेरा मैं चानण कर दिता मैनू काली हुई इन्नी है थोड़े लड़ लगन दी ऐसी ही लगन होनी चाहिए आप खुश होके कहन लगे कहंदे ठीक है फरीदा फिर इंज कर दिल्ली जाके साडे मुरीद जानी कि मेरा चेले कोले जाके तू चेला हो जा मेरे चेले का चेला हो जा इंज कर मेरे मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद हो जा दिल्ली जाके कहंदे ठीक है जी हुण बाबा फरीद जी दिल्ली चले गए जाके की वेख्या बहुत वड्डा कट्ठ है कट्ठ दे विच की हो रहा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी मुर्गे लड़ा रहे ने कंपटीशन करवा रहे ने मुर्गियां दा बाबा फरीद जी सोचदे ने वी ए मैं कित्थे पहुंच गया मेरा तां मैं तां सोचा सी मेरा मुर्शिद बहुत पहुंची हुई चीज होऊ ए तां मुर्गे लड़ाई जांदे ने हले दिल च सोचिया ही है कट्ठ चो आवाज दित्ती कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ओए कहंदे आ जा आ जा आ जा असी कल्ले मुर्गे लड़ाउणे नहीं दिल लड़ाउणे भी जानदे
कले तू की सोचा असि कले मुर्गे लड़ाने वाले हाँ जिन्हें भेजा उन्हें पता भी मैं किदे कोल भेजा कहने दूजी गल ए मुरीद मैं भी नहीं हले करदा तेनू आह लड़ मैं भी नहीं लाना एक महीना लगूगा कहने अच्छा जी कहते फिर की ड्यूटी है जी ड्यूटी ए है जब मैं नमाज पढ़नी है तू मैनू पानी गर्म करके देना ठीक है जी एक महीना इदा ही चलता रहा हुण लास्ट दिन है शाम होगी सवेर नू लड़ लगना गुरु धारणा करनी है ऐसी बारिश हुई जंगल दियां सारियां लकड़ां गिल्लियां हो गईयां फिकर पै गया जे पानी गर्म ना करके दिता पीर ने नाराज हो जाना खबरा महीना होर लग जे की करा टुर पे जंगल वाल नू जाके की वेख्या जंगल दे विच इक माई रोटी ला रही है चुल्हे ते जाके माई नू कहने कहने माई मैनू थोड़ी जी अग दे दे मैं पानी गर्म करना है पीर वास्ते अगो माई भी पहुंची हुई सी ओए कहंदी इह इन्नी सौखी नहीं मिलनी कोई कीमत अदा करनी पैनी है कहंदे अच्छा की करना पैना है कहंदी अपनी दोवां अखां चो इक अख कढ के दे जा ते अग लै जा माई नू कहण नू देर लगी आप नू इह करन नू देर ना लगी चुल्हे चो बलदी हुई लकड़ी चक्की ते अख कढ के माई दे हत्थ ते रख दी बाबा फरीद जी ने ताड़ी वरे की अख कड के रख दी अग लै ली ते अपना परना ना इंज करके बन लिया अख ते बन लिया पानी गर्म किया पीर दा वजू कराया उन्होंने नमाज पढ़ ली जद नमाज पढ़ के बेले हो गए जद बाबा जी फरीद जी नू देखिया ओए कहंदे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी ओए फरीदा आ की पट्टी जी बन्नी फिरदे कहंदे सरकार मेरी अख आ गई मतलब के दुखण लग गई कहंदी सरकार मेरी अख आ गई ओए कहंदे फिर ला दे परना आ गई आप दी अख वापस आ गई आप दी अख वापस आ गई इस करके कहंदे ने जिन्ना सोहना है गंज शक्कर बाबा इस दुनिया ते सोहनी तस्वीर कोई नहीं ते की कहंदे ने पाक पटन दी जिन्नी जागीर सोनी ऐसी दुनिया ते सोनी जागीर कोई नी जिन्ना सोना है गंज शकर बाबा ऐसी दुनिया ते सोनी तस्वीर कोई तकी कहते ए चिश्त नगर दे बादशाह या फरीद 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 चुस्त नगर दे बादशाह चुस्त नगर दे बादशाह तेरा नाम फरीद हो दीन मैनू अपना साबर मेल दे तेरा जीवे नजामो दीन अपना साबर मेल दे तेरा जीवे नजामो दीन मैनू अपना साबर मेल दे तेरा जीवे नजामो दीन चुस्त नगर दे बादशाह चुनरी जड़िया मेरिया भैणा लई बैठिया ने ओदी गल नहीं हो रही चुनरी इस मन नू कहा गया है ए मालका मेरी एस मैली चादर नू इस चुनरी नू अपने रंग विच रंग लै ते केड़ा केड़ा अज दूलो शाह सरकार तो अपनी इस चुनरी नू रंगवाउण आया हथ खड़े करके दसो
हाँ जी की कहना मेरी चुनरी रंग दे यार साहब मेरी चुनरी रंग दे यार साहब मेरी चुनरी रंग दे यार साहब मेरी चुनरी मेरी चुनरी रंग दे यार साहब मेरी चुनरी रंग दे यार साहब असीं भी बाबा दे घर तो चुनरी रंगवा के जानी है असी भी बाबा के घर तो चुनरी रंगवा के जानी है खड़ा हूँ लाम बन के झुका हूँ है के जैसा खड़ा हूँ लाम बन के झुका हूँ है के जैसा ऐसा फिर देख ले तेरा गुलाब जैसा मेरी चुनरी रंग दे या साहब मेरी चुनरी रंग दे या साहब मेरी चुनरी रंग दे साहब मेरी चुनरी रंग दे साहब दुखिया मस्कीन मैनू अपना साबिर मेल दे तेरा जीवन दामा अपना साबिर मेल दे दामा साबिर पाक सरकार बाबा फरीद जी के तस्वीर है मोहम्मद है मुखड़ा मेरे साबिर का हां जी साईं जी मैं ताड़ी नजर कर रही हूं तुसी जिक्र किया कि बेटा साबिर पाक सरकार का जिक्र सुनाओ के तस्वीर मोहम्मद है मुखड़ा मेरे साबिर का काबा है फकीरों का रोजा मेरे साबिर का मंगतों की मत पूछो मंगते तो फिर है मंगते खाते हैं शहनशाह भी टुकड़ा मेरे साबिर का शादी मेरे साबिर की किस शान से होती है शादी मेरे साबिर की किस शान से होती है मेरी चुनरी रंग दे मेरी चुनरी रंग दे या साबिर
ਜੀ ਤਾੜੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤਾੜੀ ਬਾਰੇ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਾ ਦਿਓ ਜਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੋ ਫਕੀਰੀ ਰੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਹਟ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੱਚ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਰ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰੀਏ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆਓ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਐਸਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਊਂਡ ਗੁਰਮੇਲ ਹੀਰ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਾਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਹੀਰ ਜੀ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਾਊਂਡ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ BS ਬੱਲੀਕਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਸੋਨੀ ਹੋਣੀ ਸਾਈਂ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਰੰਗ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸ਼ਾਦ ਜੁਗਨੀ ਜੀਓ
अच्छा ए भाई ऐ तां कोई पल्ले पैणा नहीं मैनूं लगदा थोड़े कुछ है ना आर दे ना पार दे तुस्ता बचकार दे आ की है दोवें हथ ऊपर करके मालक दे उस मालक दे के आ देखो उन्होंने किन्नी लीला रचाती अपना प्रोग्राम वधिया लग रहा है ना ठीक चल रहा है ना मालक की कृपा होगी ना फिर शुक्रिया अदा दोवें हथ ऊपर करके हां जी आज सारी संगत ओ बंगा चढ़ा लो कुड़ियां ओ बंगा चढ़ा लो कुड़ियां मेरे दाता दे दरबार Oh,
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾੜਾ ਵਜਾ ਦੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਰਾ चलो तुसी जद तक ताड़ी बजा दियो फिर नाले बंदे नूं ठंड नहीं लगती नाले ताड़ी बाबा जी ताड़ी जिहड़ी वजदी है बंदे दा मन खुश होवे ते ताड़ी वजदी है दुखां विच डुब्बिया बंदा कदे ताड़ी नहीं बजाउंदा कदी बीमार बंदा भंगड़ा पाउंदा वेखिया नहीं पैंदा जदों मन खुश होवे ताड़ी उदों ही वजदी है ते इहदे नालों वड्डी खुशी होर कोई है कि नवें साल च आपां कदम रखिया ते अज अजे दूजा ही दिन होया नवें साल का ये भी खुशी की गल है और मौसम कैसा हो गया सी चलते चलते सरकार की मेहर हो गई उन्हें फिर वह जहा रंग बन दिता ये भी खुशी की गल है तो ताड़ी खुशी जी वजदी है फिर भी इन्नी घट आवाज आवे ताड़ी की बड़ी माड़ी गल है ये तो बेइज्जती वाली गल हो जाती है अपने पीर मुर्शिद के नाते ताड़ी लाइए तो ताड़ी जोरदार बजाइए पता क्यों आ देखो एक पासे वजदी है दूजा पासा उवें ही है फिर इदा भी नहीं गल बनती ताड़ी वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है साईं जी ताड़ी वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है दूलो शाह सरकार के नाम पे ताड़ी वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है ठीक है दताने तूने मार के चल पैना गल लग जूगे बजाउण क्योंकि फकीरी की गल फकीरी है बड़ी औखी जिदा रब नू पाउणा औखा है ਉਵੇਂ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸੋ ਔਖੀ ਕਾਰ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲੀ ਚੜਸੂਲੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਦਰ ਦਰ ਪੈਂਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਮਾਈਏ ਭੈਣੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਆਓ ਉਸੇ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਜਾਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਮਾਹੀਦਾ ਦੂਰੇ ਵੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦੇ ਦੂਰੇ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਦੋਲਾ ਵੇ ਤੈਥੋਂ ਬਾਦਾਈ We'll be right back.
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦਵਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰੂਬਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 5:30 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਓ ਮਾੜੇ ਰੂਬਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾੜੀ ਵਰਗੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੱਬ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ Thank you.
मेला भर गया यारानू यार मिल पे भर गया यारानू यार मिल पे नी रखे शाने रौनक दई हुई है। आजा बाबा मेला भर गया यारानू यार मिल गए सोने पीर नरौन की लाई हुई सोने पीर मेरे दाना सुन के ओ दुनिया चार चुपेरे गई हुई हो जावा सदीके जावा सदीके ने सारे दी चढ़ाई होई नी जी ने सारे दी चढ़ाई होई खान दी देखी कहती है मैं अपन लाइया वे लगिया जोरा अपन लाइया
ਆਪਣਾ ਲਾਈਆਂ ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ੋਰੀ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਮ ਤੇ ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਜੀ ਗਲੀ ਚ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਧੁਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਜੀ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਓਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋਚਾਂ ਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਕੋਠਾ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਵਾਇਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਪੈਰ ਜੇ ਮਾਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਵਾਇਫ ਨੇ ਉਸ ਰਕਾਸਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਪ ਉਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਹਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪ ਨੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਥਲੀ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਸਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਕਾਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਡਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕ ਗਿਆ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਪੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਬੁੱਲਾ ਏ ਤੂੰ ਬੁੱਲਾ ਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਾ ਆ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹੁੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਸੋਹਣਿਓ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਸੋਹਣਿਓ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਖੜੇ ਦਾ ਕਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣਿਓ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਂਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਸੂਹਣੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲੀ ਲੰਘੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵਾਰ ਸੋਹਣਿਓ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਖੜੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਦੀਦਾਰ ਸੋਹਣਿਓ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਵਾਬ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੀਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ
पीर बन गईया मैं तो पीर बन गईया फकीर बन गईया मैं 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 सो जी इन्ने समय दे विच ताड़ी सारयां दी शान दे खिलाफ कोई शब्द कहा गया होवे तां माफी चाहांगे इस लास्ट हाजरी दे नाल लास्ट कर दिए सैकंड लास्ट कर दिए असीं रह ना जाइए इत्थे है जी दर तोड़े अली जिया दलेर नहीं हो सकता ओए बिना अली दे फिरदा है रब लभदा रब जानदा इना होशियारियां बिना अली दे फिरदा है रब लभदा रब जानदा इना होशियारियां नू रोजे हशर नू मुंह ते मारेगा ओ तेरियां कीतियां इबादतां सारियां नू धोखा होना नहीं रब दी बारगाह विच मन अली दियां तू सरदारियां नू मन अली ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ ਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੇ ਜ਼ਿੱਦ ਪੇ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦੇ ਤੂਫਾਨੋ ਕੇ ਜ਼ਿੱਦ ਪੇ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦੇ ਤੂਫਾਨੋ ਕੇ तूने तेवर नहीं देखे अभी अली के दीवानों के तूने तेवर नहीं देखे अभी अली के दीवानों के ये आशिकी की कहंदा ने अली अली दम 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 अली अली दम अली अली दम 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 अली दम अली अली दम 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 अली अली दम अली अली दम 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 अली अली दम 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 अली अली दम 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 अली अली दम अली अली दम 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 अली अली दम
ताड़ी नहीं मारनी, बस हाथ ऊपर कर लो सरकार दी नजर, तो मैं हाथ ऊपर कर लो, सरकार हाजिर ने इस टाइम। मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, हो मस्त कलंदर, हो मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, हो मस्त कलंदर, हो मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, हो मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, हो मस्त कलंदर, 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 हो मस्त कलंदर, 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 मस्त कलंद
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10-11 ਟਿਕਟਾਂ ਸਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ अच्छा पहला ए दसो भी अगली बारी सुनना कि नहीं सुनना हाथ खड़े करके दसो जो बेल ने कोई ना चाह तो फिर मिल जू मैं नहीं मिलनी है जी आ बाबा जी ने तो खड़े नहीं किते भाई सौंड साईं जी सौंड पक्की कर दियो हमेशा वास्ते कर दियो कलाकार तुहानू दुआवां देके जाणगे बहुत ही वधिया सौंड सारे चलाउंदे ने लेकिन चलाउणी किसे किसे नूं आउंदी की गुरमेल नाम है गुरमेल हीर मेरे घर वाले मैं प्यार कहना क्यों गुरमेल सिंह बहुत बहुत वधिया सौंड जाउंदा रहे वीरे पक्की कर दो सौंड नहीं मैं भी नहीं आना ठीक है तुसां गौर हुजूर जरूर करना जी मेरे तरले हथां जोड़िया ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੜ ਤੁਸਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ ਸਿਕੰਦਰੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੜ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋ ਲਾਸਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਸੱਜਣ ਦੀ ਦੀਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਈਦ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਸੱਜਣ ਦੀ ਦੀਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਈਦ ਹੋਵੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਜੇ ਕਮਲੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸ਼ੌਕਰ ਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਜੇ ਕਮਲੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸ਼ੌਕਰ ਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਜੇ ਕਮਲੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸ਼ੌਕਰ ਕਾਰ ਦਾ ਯੋ ਹੇ
अच्छा ना तुसी अच्छा एक गल दसो थोड़े चो डीजे ते केड़ा केड़ा नचदा हाथ खड़े करके थोड़ा झूठ नहीं बोलना अच्छा मतलब मामे ताया दे न्याणियां दा ब्याह दा बहुत चौ है थोनू सरकार दे मेले दा कोई चौ नहीं भाई मैं तो इन्नी देर गोडे मैं नहीं बैठ सकती इन्नी देर जे प्यार है ना सरकार नाल एक बार खड़े होके गोडिया नू आराम दवाउण दी बजाए सारे जाने हाँ जी आपां भी मैंबर जिहड़े मैनू बुक करन गए सी खड़े होके सारे नच के सारे जाने खड़े हो गए पता तो लगे भी मैं आई हाँ थोड़े पिंड च मैं थोनू कि प्यार है सरकार नाल ठंड हटूगी भाई ठंड है हाँ जी बाबा जी करो माड़े बीबिया नू हुक्म कह कोई ना भाई ए डीजे ते बहुत नचते ने जी पता मैं एक गल मैं तो देख लिया तुसी बहुत ठंडे हो इतों उठे उठे बह गए उठे उठे बह गए थोनू बस थोनू देख देखो वो बैठी आना उठो तुम उठो आ जाओ हाँ भाई सारे जाने उठ गए आ जाओ दस है दस हूं चिट्ठी पानी पौगी थोनू हो जे करम जे करम जे हो जे करम जे करम जे हो जे करम जे करम जे हो जे करम जे कमली से अस मची सर यार दो अस ओ हो जे करम जे कमली से अस सची सरकार दा कान खानिया मान हजूर उत्ते रंग चढ़ के नूरी नूर रंग चढ़ के नूरी नूर इन्हों का नाम है नूर मुहम्मद सरकार नु जज्बात पेश कर देने सारा गाना इन्होंने लिखा हुआ है ते रिलीज होया है यूट्यूब ते करम सॉन्ग तुसी देख सकते हो लिखे इन्होंने गाया मैं ते म्यूजिक जावेद साहब ने मेरे हसबेंड साहब कान खानिया मान हजूर ते रंग चढ़ जे नूरी नूर छोटा जा रुतबा मिल जावे छोटा जा रुतबा मिल जावे तेरे दर की सेवा दार करम छे कमली से अज सची सरकार अज सची सरकार अज
आज एक जोरदार ताड़ी साडे म्यूजिशियन परिवार जावेद साहब नूर भाजी पूरा संगीत परिवार थैंक यू सो मच जी इन्ने समय दे विच सना खान वालों ताड़ी शान के खिलाफ कोई सिहारी कोई बिहारी कोई अंकड़ कोई दलंकड़ इधर उधर हो गई हो तो माफी चाहते हैं कि यादों को दिल में बसाए रखना एहसान की बात होगी यादों को दिल में बसाए रखना एहसान की बात होगी मुसाफर तुम भी हो मुसाफर हम भी हैं फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी थैंक यू सो मच साडे पंची डलेवाल जी बहुत अच्छे गीतकार और बहुत सुलझी हुई हस्ती थैंक यू सो मच सर अच्छा सो बहुत बहुत मेहरबानी जी